जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, मैं आज आपको उन गद्दारों के नाम बता कर रहूँगा जो आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं, जो आपको मौत के घाट उतार रहे हैं। मित्रों, यदि आप समय रहते नहीं संभले तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और मित्रों, यह गलती आपको उम्र भर पछतावे का एहसास कराएगी। एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत कड़वी सच्चाई जो आपके अपने ही हैं, उन लोगों की सच्चाई हम लेकर आए हैं। मित्रों, यह चार दिन कोई साधारण नहीं होंगे। 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बड़ा खतरा है। आइए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि इन चार दिनों में आपके जीवन में मित्रों कौन सी घटनाएं घटेगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, कौन से शुभ और कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी। आइए, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हैं। तो चलिए, आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको मित्रों एक एक कदम संभाल कर आगे रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों, बता देते हैं कि ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। अधिकतर समय जो है आपका घर परिवार के साथ व्यतीत होगा और सुकून भी बना रहेगा, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा आपसी वार्तालाप द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको मिलेगी। अगर आप कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो मित्रों योजना बना लें, लेकिन इस वक्त अगर आप अमल में लाना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार कर लेना है, क्योंकि मामला पैसों का है। मित्रों, आपकी मेहनत की कमाई है, यदि डूब गई तो बहुत दुख होगा और भाग्य भरोसे बने रहना ठीक नहीं है। मित्रों, खुद को सक्षम करें और विद्यार्थियों का ध्यान व्यर्थ की गतिविधियों में ज़्यादा लगा रहेगा, तो उन्हें अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। घर की जरूरत संबंधित गतिविधियों पर भी आपको फोकस करना है मित्रों, क्योंकि इस वक्त घर में नवीनीकरण से संबंधित योजनाएं आप बनाना चाह रहे हैं, तो मित्रों उस योजना को अमल में लाने के लिए बहुत शुभ समय चल रहा है। पैसों की आवश्यकता है तो पैसा भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, और जिन जिन लोगों से आप सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं उन उन लोगों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बिजनेस में शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, लेकिन मित्रों समय के साथ सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा और लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। रियल इस्टेट से जुड़े लोगों की फायदेमंद डील हो सकती है, और ऑफिस में किसी भी तरह के बहस से खुद को दूर रखें। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा और कोई मनोरंजन यात्रा संबंधित प्रोग्राम भी बनेगा, जोड़ों व घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए गैस और बादी वाली चीज़ों के सेवन से परहेज रखें। साथ ही सामर्थ्य से ज़्यादा कार्यभार आपको नहीं लेना है। आपके अहंकार की वजह से तकलीफें बढ़ सकती है, तनाव दूर करने का उपाय आपको बहुत जल्दी मिलेगा। मित्रों, तनाव धीरे धीरे दूर होगा और स्वभाव में बढ़ रही जीत के कारण आपकी तकलीफें बढ़ रही है।
जिस व्यक्ति के साथ के संबंधों को सुधारना है उस व्यक्ति के साथ खुलकर बातचीत करें, उस व्यक्ति की मित्रों स्थिति को जानें, और हाँ अपेक्षा के अनुसार आपको सहयोग मिलेगा। करियर से संबंधित चिंता होने से गलत निर्णय लिए जा सकते हैं, तो फिलहाल किसी भी नई बात पर ध्यान ना दें और रिलेशनशिप में सुधारने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। मित्रों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं और आपका पार्टनर भी रेडी है प्रेम विवाह करने को, तो तुरंत आपको अपने घर में बता देना है, क्योंकि मित्रों अगर आपने समय रहते घर में बता दिया तो आपके आगे के जीवन का निर्णय अभी हो जाएगा। लेकिन अगर आप आगे चलकर बताएंगे तो हो सकता है कि कन्या पक्ष की तरफ से कुछ दिक्कत होने को मिल सकती है। इसलिए मित्रों जल्दी जल्दी अपने रिलेशनशिप का निर्णय आपको ले लेना है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूरा समय व्यतीत होगा। आपको अपने मुश्किल समय में नज़दीकी रिश्तेदारों का सहयोग और सलाह मिलेगी। मित्रों, किसी महत्वपूर्ण कार्य की नींव रखने के लिए यह समय अति उत्तम है। आप बढ़िया सा मुहूर्त देखकर अपने नए कार्य की नींव रख सकते हैं और आय का कोई रुका हुआ स्रोत पुनः शुरू होगा, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मित्रों, खुद को किसी भी तरह के विवाद से दूर रखें, वरना इस वजह से आपका मानसिक सुकून भी प्रभावित होगा और फिजूल खर्ची से भी बचना जरूरी है। पारिवारिक जनों पर बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना उन्हें परेशान कर सकता है, और बिजनेस में अपने काम की क्वालिटी बेहतर बनाएं, इससे काम की रफ्तार बढ़ेगी। नौकरी या बिजनेस के दस्तावेज संभाल कर रखें, और सरकारी नौकरी पेशा लोगों को अचानक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है। पति पत्नी के संबंध बहुत खुशनुमा रहेंगे, बहुत व्यवस्थित रहेंगे, तथा परिवार के साथ किसी समारोह आदि में जाने का भी अवसर मिलेगा। तनाव जैसी स्थितियों से बचना जरूरी है। जीवन में अगर ज़्यादा तनाव लेंगे तो ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेगी। और मित्रों बता देते हैं कि सिर दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है और इस वजह से दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होगी। मित्रों समय उत्तम चल रहा है, किसी भी काम का दबाव अपने ऊपर नहीं बनने देना है। आप परिस्थिति को समझाने की कोशिश करेंगे, जितना अधिक स्वभाव में लचीलापन रहेगा उतनी आसानी से समझौता कर पाएंगे। आगे चलकर अपेक्षा के अनुसार आपको प्रगति मिलेगी, आपकी इच्छा के अनुसार अधिकतर काम सफल हो सकते हैं। निराशा बिल्कुल ना बढ़ने दें, आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनेगी, इस कारण आप सही लोगों से जुड़ पाएंगे और जिस काम को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण खबर आपको मिल सकती है। रिलेशनशिप धीरे धीरे सुधरेगा, पार्टनर की मदद आपको करनी पड़ सकती है और पानी की कमी आपकी तकलीफ का कारण बन सकती है। मित्रों अति उत्तम समय चल रहा है, समय खुशियों से भरपूर और मनोबल बढ़ाने वाला रहेगा। अगर कोई आर्थिक समस्या चल रही है तो उसे सुलझाने के लिए कुछ रास्ते भी खुलेंगे। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर बेहतर मौके मिलने वाले हैं। मित्रों नज़दीकी संबंधियों के साथ मेल मिलाप से खुशी होगी, और किसी काम पर ज़्यादा सोच विचार ना करके तुरंत निर्णय लें, अन्यथा उत्तम परिस्थितियां हाथ से निकल भी सकती है। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर व्यतीत करें, अगर मन परेशान है तो किसी भरोसेमंद मित्र से जरूर साझा करें जो आपका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़े। मित्रों बता देते हैं कि इसका कोई हल अवश्य निकलेगा, बिजनेस में प्रभावशाली लोगों के साथ आपको संपर्क व्यवस्थित करना है। मित्रों इससे आपको कई नई जानकारियां मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी प्रोजेक्ट पर निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है। ऑफिस में अपने कागज एक दूसरे के हाथ में ना दे, वरना कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम का श्रेय ले सकता है। घर परिवार में संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, मित्रों से मेल मुलाकात होने से मानसिक रूप से बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे,
तो वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। और दैनिक राशि एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाए।